प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लाभ लेकर गर्भवती महिलाएं अपने बच्चे के स्वस्थ जीवन की प्रहरी बनी हैं। योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को उनके पहले प्रसव पर 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता उनके बैंक खाते में जमा करवाई जाती है। योजना का लाभ लेने में सोलन जिला भी अछूता नहीं है। सरकारी आंकड़े के अनुसार अभी तक 8,500 आवेदन पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें से 2,308 महिलाओं को योजना का लाभ मिला है। जिले की महिलाएं योजना का लाभ लेकर बेहद खुश हैं और इस राशि को वे अपने बच्चे के स्वस्थ जीवन के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं। मेरा नाम पुष्पा है, मैं सोलन से बिलोंग करती हूँ। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत मेरे अकाउंट में 3 किश्तें आ चुकी है। मैं वो पैसे अपने बच्चों के भविष्य के लिए लगाऊंगी। जो मातृ योजना प्रधानमंत्री जी ने चलाई हुई है, वो उसके दौरान मेरे अकाउंट में 3 किस्तें आ चुकी हैं और मैं जो राशि आई हुई है वो मैं अपने बच्चों के भविष्य के बारे में लगाऊंगी। खास बात यह है कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाता है और प्रसव के बाद भी जच्चा व बच्चा की प्राथमिकता के आधार पर देखभाल की जाती है। पात्र महिलाएं योजना की सराहना करते हुए इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताती हैं। मैं अपने प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने इस तरह की जो पॉलिसी है वो रेगुलेट करी और हम लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। और इसके लिए मैं जो हमारे आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं सुनीता जी, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने हम लोगों के लिए हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करा और हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन हमको डिटेल इन्फॉर्मेशन दी और जब भी हम लोगों को कोई भी क्वेरी थी उसके रिगार्डिंग तो उन्होंने हमको बहुत हेल्प करी है। योजना के प्रभावी संचालन में आंगनबाड़ी केंद्र और चिकित्सा देखभाल केंद्र अहम भूमिका निभा रहे हैं। DD News के लिए सोलन से विनोद कुमार की रिपोर्ट।